हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेड राइडिंग हुड ए 2011 की फैंटेसी रोमांस मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में विचेस, वेयरवुल्व्स, इस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है। एक विलेज है जो वेयरवुल्व्स से हंटेड है। इसी विलेज में एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है, पर इसके फैमिली वाले नहीं मानने वाले। गाँव में जो वेयरवुल्फ है, इस वजह से और भी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। ये इस मूवी की स्टोरी लाइन है, तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा ब्यूटीफुल गांव है। हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है वैलरी, उसका बचपन हमें दिखता है। वैलरी हमसे कहती है कि जब मैं छोटी थी तब काम कर डायरेक्टली मुझे घर पर आने के लिए कहा जाता था। इस गांव में वेयरवुल्फ है जो आदमियों को खाता है। वेयरवुल्फ का ये मीनिंग है कि आदमी जो वुल्फ में बदल जाता है और उसके बाद वो हंट कर सकता है। वुल्फ में कन्वर्ट होने के बाद ये फिर से आदमी में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस मेनली फुल मून के नाइट पर ही होती है। इनके गांव पर वेयरवुल्फ का खतरा है तो सबको डर कर रहना पड़ता है। वैलरी कहती है कि मुझ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, पर अपने फ्रेंड पीटर से मिलने के लिए वो हमेशा जाया करती थी। वैलरी और पीटर बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। अब एक बड़े हो चुके हैं तो दोनों एक दूसरे के प्यार में है। मूवी का हमारा टाइम ये एक मिड इवल टाइम है, यानी कि ये टाइम पीरियड वो है जहाँ किंगडम्स हुआ करते थे। अब हम देखते हैं कि वैलरी बड़ी हो चुकी है। घर झूठ बोलकर वो आज फिर से पीटर से मिलने के लिए आती है। पीटर अब एक वुड कटर बन चुका है। जब ये आज एक दूसरे से मिलते हैं तो पीटर कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है। वैलरी को ये पता ही नहीं था, उसकी शादी एक वॉरियर से हुई है। वैलरी की मदर हमेशा चाहती थी कि वैलरी की शादी एक रिच परिवार में हो। पीटर एक वुड कटर है तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला। वैलरी इस चीज से बहुत ही अपसेट हो जाती है। पीटर के अलावा किसी से भी वो शादी नहीं करना चाहती। पीटर को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पीटर बोलता है कि अगर तुम सचमुच में मुझसे प्यार करते हो तो प्रूव कर दिखाओ। वैलरी पूछती है, कैसे मैं इसे प्रूव कर सकती हूँ। पीटर कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अभी के अभी हम यहाँ से भागकर चले जाएंगे। हम कहीं भी जा सकते हैं, हम एक साथ हैं तो आगे का सब कुछ फिगर आउट कर लेंगे। वैलरी भी इसके लिए मान जाती है। ये दोनों गाँव से बाहर आते हैं तभी इन्हें वुल्फ की आवाज आती है। बहुत सारे लोग गाँव के बाहर गैदर हुए है, कुछ ना कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, तो वैलरी देखने के लिए जाती है। सब लोग वैलरी को सिंपथाइज नजरे से देख रहे होते हैं। वेयरवुल्फ गांव में आया था और वैलरी की सिस्टर को उसने मार दिया है। वैलरी अपनी सिस्टर को देखकर बहुत रोती है। सब फैमिली गैदर कर सब अपना दुख बांटते हैं। अपने कंडोलेंस देने के लिए वह हेनरी आता है। वैलरी की शादी जिसके साथ होने वाली है ये वही हेनरी है। वैलरी की मदर उसे हेनरी से बात करने के लिए कहती है, पर वैलरी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हेनरी के जाने के बाद वैलरी की मदर वैलरी को समझाती है। वो कहती है, जब मैंने तुम्हारे फादर से शादी की थी तब मैं उनसे प्यार नहीं करती थी। जैसा टाइम गुजरता गया वैसे मैं उनसे प्यार करने लग गई। उन्होंने मुझे दो बेटियां दी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट था। टाइम के साथ तुम भी उससे प्यार करना सीख लोगी। वैलरी की सिस्टर्स की फ्रेंड उसे देखने के लिए आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वैलरी की सिस्टर हेनरी को पसंद करती थी। वो वैलरी की बड़ी सिस्टर थी, तो एक्चुअल में हेनरी के साथ उसकी शादी फिक्स होनी चाहिए थी। ऐसा क्यों नहीं हुआ यह हमें आगे पता चलेगा। पीटर जब वैलरी से मिलने के लिए आता है तो वैलरी की मदर उसे बाहर ही रोक लेती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम एक वुड कटर हो और तुम कभी भी अच्छा नहीं कमा पाओगे। मेरी बेटी को तुम खुश नहीं रख सकते, तो प्लीज इसका पीछा तुम छोड़ दो। पीटर का हार्ट ब्रोक होकर वहां से वह चला जाता है। हर फुल मून पर वेयरवुल्फ को एक सैक्रिफाइस चाहिए होता था, इसके लिए एक एनिमल वो रखा करते थे। ये बहुत सालों से सही चल रहा था, पर वेयरवुल्फ अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। एक जगह पर सब लोग गैदर करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस बार इस वेयरवुल्फ को मार कर आएंगे। इसमें से एक आदमी कहता है कि हमें सोलेमान का वेट करना चाहिए। सोलेमान वो है जो वेयरवुल्फ और विचेस को मारता है। इसका यही जॉब है, कोई भी मानता नहीं और जाने के लिए रेडी होते है। इन सब लोगों के साथ पीटर भी जाने वाला है। जब वैलरी को ये पता चलता है तो पीटर से वो मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि तुम केयरफुल रहो। वैलरी की मदर ने पीटर को जो कहा था उस पर उसने सीरियसली सोचा है। वो भी चाहता है कि वैलरी खुश रहे। वो अब उससे ब्रेकअप कर लेता है। पीटर जो भी कहता है उस पर वैलरी थोड़ा भी बिलीव नहीं करती। जाते वक्त हेनरी वैलरी के पास आता है, उसे वो एक ब्रेसलेट देता है जो उसने स्पेशल वैलरी के लिए बनवाया था। सब आदमी अब केओस में हंट करने के लिए निकल पड़ते है। वैलरी के फादर उनकी मदर से मिलते हैं। मदर उनसे कहती है कि अपने आप का तुम ख्याल रखना। इसके बाद वैलरी भी अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए आती है। वैलरी को पता नहीं था कि उसकी सिस्टर हेनरी से प्यार करती थी। ये सब चल क्या रहा है उसे समझ में नहीं आता। उसकी ग्रैंड मदर उसे कंसोल करती है और एक हुड देती है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेड हुड है। वुल्फ को ढूंढने के लिए सब लोग केव्स में जाते हैं।
इन केव्स में दो रास्ते हैं। हेनरी को लगता है कि सब लोग एक साथ रहने चाहिए, पर पीटर इस पर मानता नहीं। हेनरी अपने फादर को लेकर अलग रास्ते से जाता है और पीटर अलग रास्ते से। हेनरी अपने फादर के साथ अकेला था तभी वुल्फ ने उन पर हमला कर दिया। हेनरी के फादर इसमें मर जाते हैं। बाकी सब लोग वहां पहुंचते हैं और इस वुल्फ को मार देते हैं। सब लोग विलेज में आते हैं, वुल्फ को मारने की कोशिश में सेलिब्रेट करते हैं। हेनरी के फादर की अभी अभी डेथ हुई है तो वैलेरी उसे मिलने के लिए जाती है। हेनरी बहुत ही गुस्से में है, वैलेरी से कहता है कि मैंने वुल्फ को सूंघ लिया था, मैं बहुत ही डर चुका था इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया, मुझे मेरी फादर की हेल्प करनी चाहिए थी। हेनरी कहता है कि प्लीज मुझे इस तरह से तुम मत देखो। वैलेरी भी वहां से चली जाती है। वैलेरी की मदर को जब पता चलता है कि हेनरी के फादर मर चुके हैं तो बहुत रोती है। वैलेरी अब अपनी मदर को कन्फ्रंट करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वैलेरी की मदर हेनरी के फादर को पसंद करती थी। उसने कहा था कि शादी से पहले किसी से वो प्यार करती थी, वो हेनरी के फादर ही थे। वैलेरी की सिस्टर की शादी वो हेनरी से नहीं कराना चाहती थी क्योंकि वैलेरी की मदर की जब शादी हुई थी तो वो खुद प्रेग्नेंट थी। इसका मतलब है वैलेरी की सिस्टर और हेनरी ये दोनों ब्रदर सिस्टर थे, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। ये गलत होता इसलिए वैलेरी की शादी हेनरी से फिक्स करा दी गई थी। मदर वैलेरी से प्रॉमिस लेती है कि बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगले सीन में सोलेमान यह हमें विलेज में आते हुए दिखते हैं। सोलेमान एक वेयरवुल्फ और विच हंटर है। सोलेमान जब वहां पहुंचते हैं तो विलेजर्स का हेड जिसका नाम है रिव उन्हें कहता है कि हमने ऑलरेडी वुल्फ को मार दिया है। सोलेमान जब इसे देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो तुम्हारा वेयरवुल्फ है ही नहीं। विलेजर्स इसे मानने के लिए रेडी नहीं है। सोलेमान फिर कहते हैं कि मेरे विलेज में भी एक वेयरवुल्फ था, उसने हमारे विलेज में किसी को मार दिया था। मैं और मेरे फ्रेंड एक रात बहुत ड्रंक हो गए और हमने डिसाइड किया कि इस वुल्फ को मार कर आएंगे। हम वुल्फ का पीछा करते करते केव तक गए, उसने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को मार दिया। जब वो मुझे मारने के लिए आया तब मैंने उसका हाथ काट दिया। वेयरवुल्फ का हाथ लेकर मैं घर पर पहुंचा तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरी वाइफ का हाथ भी टूट चुका है। मैंने जब फिर से वेयरवुल्फ का हाथ देखा तो ह्यूमन हाथ में वो कन्वर्ट हो चुका था। इसका मतलब है इसकी वाइफ ही वेयरवुल्फ थी, उसने फिर अपने वाइफ को मार डाला। सोलेमान फिर कहता है कि जब तुम वेयरवुल्फ को मारते हो तो अपने ह्यूमन फॉर्म में वो आ जाता है और इस तरह की चीज यहाँ नहीं हुई है। रीव यह सब मानने के लिए अभी भी रेडी नहीं है। वो कहता है कि हमने वेयरवुल्फ को मार दिया है और आज हम सेलिब्रेट करेंगे। सोलेमान उसे समझाने के लिए कहता है कि आज से लेकर 2-3 दिनों तक ब्लड मून है। 13 सालों में जब सब प्लैनेट्स अलाइन करते हैं तब एक ही बार ही होता है। जब ब्लड मून आता है तब ये वेयरवुल्फ बहुत ही डेंजरस होता है, पर रीव ये मानने के लिए रेडी नहीं है। उसने प्लान किया है कि आज सेलिब्रेशन होगा तो होने ही वाला है। रात में सेलिब्रेशन जब स्टार्ट होता है तो वैलेरी और पीटर के बीच में एक चक्कर चल रहा है, ये हेनरी को पता चलता है। हेनरी और पीटर के बीच में फाइट हो जाती है। वैलेरी पीटर से बात करती है, वो कहती है जो भी तू मुझे कह रहे थे ये सब झूठ है, ये मुझे मालूम है। पीटर कहता है कि तुम्हारी मदर सही है, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। वैलेरी कहती है मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पीटर वैलेरी को एक रूम में लेकर जाता है। ये दोनों मेकआउट कर रहे थे तब हेनरी ये सब देख लेता है। अचानक से पीटर के फ्रेंड उसे बुला लेते हैं तो उसे जाना पड़ता है। वैलेरी अब पीटर के साथ है तो बहुत ही खुश है, सेलिब्रेशन में वो घुल मिल जाती है। इसी वक्त हम देखते हैं कि एक बड़ा सा वेयरवुल्फ वहां आ जाता है। ये पहले क्यू को ही मार देता है, बहुत सारे लोगों को इंजोर करता है और फिर वैलेरी के पास आता है। वैलेरी से ये बात करना स्टार्ट करता है, कहता है कि इस विलेज से मैं चले जाने वाला हूँ। वो चाहता है कि वैलेरी भी उसके साथ चले। वैलेरी उसे मना करती है तो वेयरवुल्फ कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो पूरे विलेज को मैं मार दूंगा। वो उसे उसके साथ चलने के लिए एक लिमिटेड टाइम देता है। वैलेरी के साथ उसकी एक फ्रेंड भी थी जो वेयरवुल्फ को नहीं सुन पाए। वुल्फ के जाने के बाद उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम एक विच हो क्योंकि तुम वुल्फ को सुन सकती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोगों को अब मालूम पड़ चुका है कि सोलेमान सही था। सोलेमान इस विलेज का पूरा कंट्रोल ले लेता है, कोई भी घर से बाहर न निकले ये उनको एडवाइस करता है। सोलेमान का राइट हैंड एक सोल्जर है जिसका ब्रदर वुल्फ के हमले में जख्मी हो गया था, वो अभी भी जिंदा है। पर सोलेमान कहता है कि इसे जिंदा रखना बहुत ही डेंजरस है, ये अब कर्स्ड हो चुका है और उसको मार डालता है। सोलेमान के राइट हैंड को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब पीटर वैलेरी को लेने के लिए आता है तो वैलेरी उसे मना कर देती है। वुल्फ ने उसे कहा है कि उसके साथ उसे आना है तो वह बहुत डर रही है। वैलेरी ने वेयरवुल्फ की आंखें भी देखी थी जो ब्राउनिश थी। वो पीटर की आंखें चेक करती है पर वो ब्लैक है। वैलेरी अपने घर पर है, उसके पास उसकी ग्रैंड मदर है।
ग्रैंड मदर वुड्स में अकेले ही रहती है, किसी को कुछ भी पता नहीं है वह करती क्या है। वैलरी अपनी ग्रैंड मदर की आंखें चेक करती है तो वो भी ब्राउनिश ही है। बाहर ब्लड मून की रेड लाइट है जो वेयरवुल्फ्स के लिए सही नहीं है। वैलरी चेक करने के लिए खिड़कियां खोलती है पर उसकी ग्रैंड मदर को कुछ भी नहीं होता, यानी कि उसकी ग्रैंड मदर वेयरवुल्फ नहीं है। अब गांव में से कोई भी वेयरवुल्फ हो सकता है, तो सोलेमन सब लोग को चेक करता है। वैलरी से मिलने के लिए हेनरी आता है। हेनरी उसे कहता है, मुझे तुम्हारे और पीटर के बारे में सब कुछ पता है। जिस तरह से तुम पीटर को देखती हो उस तरह से मुझे तुम कभी भी देख नहीं पाओगे। उनकी एंगेजमेंट वो तोड़ देता है। इनके विलेज में एक एबनॉर्मल सा लड़का था, इसे मैजिक भी अच्छा लगता है, तो सोलेमन ये नोटिस करता है। सोलेमन को लगता है कि वेयरवुल्फ कौन है इसे मालूम होगा। उसे टॉर्चर करने के लिए एक बड़े से आयरन एलिमेंट में डाल देता है, नीचे से आग भी लगाता है जिससे वो अंदर से जलता रहे। इस बेचारे को कुछ भी मालूम नहीं था। यह लड़का वैलरी के फ्रेंड का ही ब्रदर था। वैलरी की फ्रेंड सोलेमन से मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि प्लीज मेरे ब्रदर को जाने दो, इसके बदले में उसे वो कुछ पैसे भी देती है। सोलेमन मानता नहीं तो कहती है कि मेरे पास एक सीक्रेट है, वैलरी ने वेयरवुल्फ से बात की थी, ये चीज वो उसे बता देती है। सोलेमन सब लोगों की फिर मीटिंग लेता है, यहाँ वैलरी को भी बुलाया जाता है। वैलरी को कन्फ्रंट करता है, वैलरी भी सब कुछ सच इन्हें बता देती है। वैलरी कहती है कि वेयरवुल्फ मुझे खीर लेकर जाना चाहता है। सोलेमन कहता है कि अब सब कुछ तो सही हो चुका है, वैलरी को सेक्रीफाइस कर देंगे और सब कुछ सही होगा। उसे वो अरेस्ट कर लेता है और एक जगह पर बांध कर रखता है। पीटर और हेनरी एक दूसरे के दुश्मन है क्योंकि वो वैलरी से प्यार करते हैं। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें वैलरी को बचाना है। वैलरी की ग्रैंड मदर उससे मिलने के लिए आती है, वैलरी अपना प्रोटेक्शन कर सके इसलिए उसे एक चाकू देकर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीटर वैलरी के फादर से मिलने के लिए आता है। कहता है कि मैं आपकी डॉटर से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे ही शादी करूंगा, आपकी अगर ब्लेसिंग मिले तो अच्छा होगा, पर नहीं भी मिली तो भी मैं उससे ही शादी करूंगा। वैलरी के फादर भी पीटर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैलरी को छुड़वाने वाला है, यह प्लान उसके फादर को भी बताता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रैंड मदर हेनरी से मिलने के लिए आती है। हेनरी ने वैलरी के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी, इसके लिए उसे थैंक यू कहती है। हेनरी यहाँ कुछ अजीब नोटिस करता है, उसने वेयरवुल्फ को स्मेल किया है, यही स्मेल वैलरी की ग्रैंड मदर से भी उसे आ रही है। वो ग्रैंड मदर को यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। जब रात होती है तो पीटर और हेनरी दोनों वैलरी को बचाने की कोशिश करते हैं। पीटर कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है और सोलेमन उसे बंद कर देता है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है पर वो निकल नहीं पाता। हेनरी वैलरी के पास पहुंच जाता है, वैलरी के फादर भी हेल्प करते हैं, हेनरी वैलरी को छुड़वा लेता है। सोलेमन इन्हें नोटिस करता है, हेनरी और सोलेमन में फाइट होती है और हेनरी थोड़ा सा इंजोर होता है। तभी हम देखते हैं कि फिर से वेयरवुल्फ का विलेज पर हमला हो चुका है। सोलेमन और गांव के सब लोग चर्च में आ जाते हैं, वैलरी को अंदर नहीं आने देते। वैलरी भी चर्च के बाउंड्री में है तो वेयरवुल्फ उसके पास नहीं आ पाता। वो अंदर आने की कोशिश करता है पर उसका हाथ जल जाता है। सोलेमन आगे आता है और इस वेयरवुल्फ के साथ फाइट करता है। इस फाइट में वेयरवुल्फ सोलेमन का हाथ तोड़ देता है। सोलेमन के राइट हैंड के ब्रदर को सोलेमन ने मार दिया था, तो राइट हैंड अब सोलेमन से इसका बदला लेता है और उसे मार डालता है। पीटर को सोलेमन ने बंद कर दिया था तो अभी भी वो मिसिंग है। वैलरी जब रात में सोती है तो उसे बहुत बुरा सपना आता है, उसकी ग्रैंड मदर को कुछ हो चुका है ये सपने वो देखती है। ग्रैंड मदर से मिलने के लिए वुड्स में आती है, तभी वहां उसे पीटर दिखता है और वो सस्पेक्ट करती है कि जब भी वेयरवुल्फ आता है तो पीटर वहां नहीं होता। पीटर ही चाहता है कि वैलरी को लेकर कहीं दूर गांव में चला जाए। वैलरी को लगता है कि पीटर ही वेयरवुल्फ है। वैलरी उसे दूर रहने के लिए कहती है पर पीटर उसके पास आता है तो उसे वो चाकू मार देती है। वह जब अपनी ग्रैंड मदर के पास पहुंचती है तो उसकी ग्रैंड मदर ऑलरेडी मर चुकी है, उसके फादर भी यहाँ है और उन्होंने ही उसके ग्रैंड मदर को मारा था। उसे शॉक लगता है, वो अपने फादर को कन्फ्रंट करती है कि आपने ऐसा क्यों किया। वैलरी नोटिस करती है कि उसके फादर के हाथ भी जले हुए हैं, यानी कि उसके फादर ही वेयरवुल्फ है। उसके फादर भी इसके लिए डिनाई नहीं करते, वो अपने फादर को कन्फ्रंट करती है तो फादर अब सब कुछ बताते हैं। वो कहते हैं कि पूरी लाइफ में गरीब रहा हूँ, मुझे मेरी लाइफ से और भी कुछ चीजें चाहिए थी, मैं शहर में जाकर अलग अलग चीजें लूटने वाला था। मेरे फादर भी वेयरवुल्फ थे, उन्होंने मुझे काटा और उसके बाद मैं भी वेयरवुल्फ बन गया। मेरी बेटी भी वेयरवुल्फ बने और मेरे साथ सिटी में आए, ये मैं चाहता था। सिर्फ वेयरवुल्फ की बेटी ही उसे सुन सकती है। वैलरी की बड़ी सिस्टर से जब एज अ वेयरवुल्फ उसके फादर ने बात करने की कोशिश की तो वो कुछ समझ नहीं पाई। फादर को समझ में आ गया कि वो उसकी डॉटर नहीं है। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि वैलरी की सिस्टर को वेयरवुल्फ ने ही मारा है, तो उसके फादर ने उसे मार डाला था। वैलरी फादर को सुन पाए, ये उनकी रियल डॉटर है।
इसलिए उसे सिटी में लेकर जाना चाहते थे। मूवी में हमने देखा है कि हेनरी ग्रैंड मदर से बात करता है और कहता है कि तुम उस वेयरवुल्फ की तरह स्मेल करती हो। ग्रैंड मदर पूरी लाइफ में उसी स्मेल के साथ रह रही थी। उसे पता चल गया कि उसका ये बेटा वेयरवुल्फ है। अब ग्रैंड मदर सबको बता सकती है, तो अपनी मदर को उसने मार डाला। फादर वैलरी को फिर से समझाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास गिफ्ट है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो और बहुत ही अच्छी लाइफ हम जी सकते हैं। वैलरी कहती है कि आपने जो भी सब किया है वो बहुत ही गलत किया है, बहुत सारे लोगों को आपने मार डाला है, ये वो सपोर्ट नहीं कर सकती। पीटर बाहर से यह सब चीजें सुन रहा था, वो अंदर आ जाता है। वो फादर को मारने की कोशिश करता है पर फादर बहुत ही स्ट्रांग है, पीटर को ही वो इंजोर कर देते हैं। मूवी के फर्स्ट में सोलेमोन ने विलेजर्स को एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें उसने कहा था कि उसकी वाइफ ही वेयरवुल्फ थी। उसके वाइफ का हाथ उसने अपने साथ लाया था, ये हाथ वैलरी अपना प्रोटेक्शन करने के लिए उसके साथ लेकर आई थी। वेयरवुल्फ को एक वेयरवुल्फ ही मार सकता है। वैलरी के पास का हाथ वो अपने फादर के पेट में डाल देती है। फादर बहुत ही इंजोर होते हैं और पीटर लास्ट में उन्हें मार देता है। फादर की और पीटर की जब फाइट चल रही थी तो पीटर को फादर ने काट लिया था, अब वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगा। पीटर वैलरी को कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। पीटर वैलरी को यह कहकर वहां से चलने लग जाता है। वैलरी फिर हमसे कहती है कि सब चीजें मैं अब अलग तरीके से देखने लग गई। पीटर अब खुद वेयरवुल्फ बन जाएगा पर इससे उसे फर्क नहीं पड़ रहा। वो पीटर के पास जाकर उसे गले लगाती है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वैलरी के फादर के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। फादर की बॉडी एक लेक में वो डाल देते हैं। पीटर वैलरी से कहता है कि अब थोड़े दिनों के लिए मैं तुमसे दूर रहूंगा। वो वेयरवुल्फ बनेगा तो किसी को भी उसे हर्ट नहीं करना है। जब तक वो खुद को कंट्रोल करना सीख नहीं लेता तब तक वो दूर जाकर रहने वाला है। इसके बाद पूरा विंटर बीत जाता है पर फिर भी वेयरवुल्फ वापस नहीं आता। वैलरी की ग्रैंड मदर वुड्स में रहती थी तो वही वैलरी रहने लग जाती है। पीटर के जाने के बाद वो प्रेग्नेंट थी और उसे अब बच्चा हो चुका है। पीटर ने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया है और पीटर एक रात वापस आ जाता है। वैलरी गांव से दूर रहेगी, यानी कि पीटर और उसके बारे में किसी को भी पता ना चले और किसी भी लाइफ को डेंजर ना हो। ये दोनों एक साथ रहेंगे और अपने बेटे को रेज करेंगे। यही इस मूवी की समवॉट हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।